नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। भारतीय टीम इस मुकाबले को हार चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी भारतीय टीम 192 रनों पर ऑल आउट हो गई है। भारत के लिए विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा 72 रन की पारी खेली, परंतु दोस्तों उनके अलावे कोई भी बल्लेबाज अच्छे तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पाया और इसी वजह से भारतीय टीम की बहुत शर्मनाक हार हुई है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी भारतीय टीम को कि बहुत ही बढ़िया करके देंगे, लेकिन दूसरी पारी में 12 और पहले पारी में वह सिर्फ 6 रन बना के आउट हो गए थे। ऋषभ पंत ने पहले इनिंग्स में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, 91 रन बनाए थे, तो दूसरे इनिंग्स में उनसे उम्मीदें थी, परंतु उन्होंने भी उम्मीदें पर खरा उतरने का काम किया नहीं और भारतीय टीम को एक बहुत ही शर्मनाक हार मिली है। जी हां दोस्तों, जैक लीच ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए हैं इंग्लैंड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जैक लीच ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट इंग्लैंड की तरफ से चटकाए हैं। दूसरे इनिंग्स में भारतीय टीम की तरफ से आर अश्विन ने सबसे ज़्यादा 9 विकेट चटकाए थे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं भारतीय टीम अब जो मुकाबला आगे खेलने वाली है उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेज कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरुआती में ओपनर्स जो है रोहित शर्मा बहुत ही बढ़िया कर नहीं पा रहे हैं। शुभमन गिल ने हालांकि कुछ कोशिशें जरूर की, परंतु रोहित शर्मा से बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ें निकल के आए नहीं है सामने। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा पे दारोमदार होता है कि भारतीय टीम को किस तरीके से वो एक अच्छी स्थिति में लेके जाए, परंतु उनकी वजह से कहीं ना कहीं एक तरह से आरोप नहीं लगाया जाए, परंतु उनका जो फॉर्म रहा है इस मुकाबले में, जो उन्होंने बल्लेबाजी करी है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही नहीं है। ऐसे में दोस्तों, निश्चित ही अगले मुकाबले में रोहित शर्मा हमें नहीं खेलते हुए भी नज़र आ सकते हैं। या दोस्तों, रोहित शर्मा नहीं खेल सकेंगे अगला मैच, ऐसी संभावनाएँ हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भारतीय टीम जब दूसरा मुकाबला खेलने आएगी तो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से सब कुछ चीज़ें सही करेंगी और कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला हारी है उसे थोड़ा डिमोटिवेशन जरूर मिलेगा, परंतु इसके बावजूद दोस्तों भारतीय टीम के पास वो दमखम है जिससे वो वापसी कर सकती है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी।